नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सनफ्लावर के फूल के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये लेके आए हैं हम कुछ पर्सलेन और पोर्टुलाका की कटिंग तोड़ के। तो ये हमारी पोर्टुलाका की कटिंग है और ये वाली है पर्सलेन की कटिंग। तो आज हम इनको इन दो हैंगिंग बास्केट में लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर एक समर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है। एक तरह से सकुलेंट होता है और इसमें ना कम पानी डालना चाहिए। तो अब हम पहले लगाते हैं पर्सलेन को। तो आप देख सकते हैं इसकी हमें लगाने से पहले नीचे की मतलब जो एरिया हिस्सा हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उसकी ऊपर से ये चार पांच पत्तियां हटा लेनी चाहिए। मतलब कि पत्तियां सॉइल को टच नहीं करनी चाहिए। तो इसको हम अभी ये मिट्टी सूखी है तो आराम से इसमें कटिंग चली जाएगी। तो इस तरह से लगानी है हमें एक एक करके। तो दोस्तों, ये कटिंग है ना, इसका ये एक बहुत ही बढ़िया बात है इसकी कि अगर हमने ये अब कटिंग लगाई है और इसमें ये कली बनी हुई है और सुबह अगर हम नहीं तोड़ते तो सुबह ये खिल जाती। तो अब भी ये ना खिल जाएगी, जैसे कि अब हमने इसको लगा दिया है तो जो कली रेडी हो चुकी है तो वो सुबह भी खिल जाएगी। क्या होता है कई बार कि हम जो प्लांट कई बार लगाते हैं या तो कटिंग काट के लगाते हैं या फिर रिपोर्ट भी करते हैं, तो रिपोर्ट में भी कई बार क्या होता है कि हमारे प्लांट में जो कलियाँ आई रहती हैं तो वो कई बार गिर जाती हैं, रिपोर्टिंग शॉक में चला जाता है प्लांट। तो इस प्लांट में ऐसा नहीं होता है, जो कलियाँ रेडी हो चुकी हैं तो वो सुबह खिलेंगे ही। और ये हमने पर्सलेन की कटिंग को लगा दिया है, बाकी जो कुछ बची हैं तो उनको भी हम लगा देंगे। और अब इस वाले पॉट में लगाते हैं हम पोर्टुलाका की कटिंग। तो पोर्टुलाका की ये कटिंग है हमारी और इनको हम तोड़ लाए हैं और ये कई कलर की है। आप देख सकते हैं ये येलो कलर है और बाकी और भी इसमें कई कलर की मतलब रंग बिरंगी लगाएंगे हम। और ये है रेड कलर की और इनको अब इसी तरीके से इसके भी हमने ना ये आगे से पत्तियां हटा ली हैं और इसको भी ऐसे ही सिंपल तरीके से ऐसे ही लगा देना है एक एक करने के बाद में। और इनमें दो तीन दिनों में ही इनमें कलियां बन जाती हैं और ये पूरे समर भर ही हमारे गार्डन में फ्लावर करता रहता है। और दोस्तों, जो हाईब्रिड पोर्चुला का होता है वो तो इस बार उसने हमारे यहाँ पर विंटर सीजन में भी पूरे विंटर भर फ्लावर किए थे, शायद हमने आपको वीडियो में भी शेयर किया था। और उसमें दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब पूरे विंटर भर उसने फ्लावर दिए थे। और जो हमारा देसी वाला पोर्चुला का होता है वो तो है ना समर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, उसमें सॉरी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, उसमें विंटर सीजन में फ्लावर नहीं आते और वैसे भी है ना सूखा सूखा सा हो जाता है। और इसमें हाइब्रिड वाले में हमारे में पूरे साल भर ही फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, अब हमने आपको लगा के दिखा दिया है, ये हमारी पोर्टुलाका की कटिंग लगाई है और ये पर्सलेन की कटिंग लगाई है। तो इनमें 4 से 5 दिनों में ही है ना इनमें रूट्स बन जाएंगी और ये फिर पूरी बास्केट को कवर कर लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हैं। तो दोस्तों, हमें ना ये बास्केट लेके आए हैं, दो तो ये हैं और एक ये है, तीन बास्केट। तो ये ना नए डिज़ाइन की बास्केट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये ड्रेनेज हॉल है और इसके नीचे ये एक ट्रे लगी हुई है। तो इसको है ना घुमा के आप निकाल भी सकते हैं। अगर आप इसको इंडोर लगाना चाहे तो इंडोर के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जैसे ही हम पानी डालते हैं तो पानी है ना ड्रेनेज होल से नीचे निकल जाता है। और इसमें ये होगा कि हम पानी डालेंगे तो इसका पानी इस ट्रे में स्टोर हो जाएगा और फिर इसको आप खोल के मतलब ये घुमाने के बाद है ना घुमाएंगे थोड़ा सा तो ये निकल जाती है। लेकिन अभी हमारे दूसरे हाथ में कैमरा है तो इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये इसके नीचे ये ट्रे लगी हुई है, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये निकल जाएगी और फिर हम इसका पानी जो इसके अंदर स्टोर होगा वो उसको हम निकाल के फेंक देंगे। तो इस तरह के
ये हम तीन हैंगिंग बास्केट लेके आए हैं। दो में से तो हमने ये पर्सलैन और पोटूला का को लगा दिया है। तो दोस्तों आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में अब ये पर्सलैन और पोटूला का पूरी हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेगा। और पर्सलैन और पोटूला का हैंगिंग बास्केट में लगे हुए और लटके हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।